हम करेंगे सैम्पल पेपर आज 2020 से लेके 2021 का, जो आपका कोरोना काल का इफेक्ट के क्वेश्चन पेपर बने हैं। और इस बार इनको सिलेबस में भी पंगे लेने हैं, सब कुछ मजे लेने हैं, तो ये ले रहे हैं। ज्योग्राफी के पेपर में भी इन्होंने मजे लिए हैं। 70 मार्क्स का पेपर होगा ज्योग्राफी का। इसके 3 सेक्शन होंगे, मैं जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ रही हूँ वन बाय वन करके। सबसे पहले ये क्वेश्चन पेपर के 3 सेक्शन हैं, ए बी और सी। सेक्शन ए के अंदर 15 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसके अंदर आपके एमसीक्यू भी होंगे, और उसमें से कोई 14 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, तो आपको जो है अपनी आंसर शीट में सिर्फ करेक्ट आंसर लिखना है, गलत आंसर वगैरह कुछ मत डाल देना उसमें। थर्ड, देन आपका जो सेक्शन बी है उसमें 16 एंड 17 क्वेश्चन जो होगा आपका, 16 और 17 क्वेश्चन आपका सेक्शन बी का बना होगा। 3 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा, जिसमें दो आपको ग्राफ बने हुए आएंगे। आपको इमेज आ सकती है, ग्राफ आ सकते हैं, तो इसमें ग्राफ बने हुए आएंगे। 3 3 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, आर शॉर्ट सोर्स बेस्ड एंड ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। सोर्स भी हो सकता है और ग्राफ भी हो सकता है। बुक का कोई पैराग्राफ दे देंगे और 3 मार्कर का क्वेश्चन अटैच कर देंगे, या फिर आपको कोई ग्राफ दे देंगे एंड आपसे चार चार सवाल पूछे जाएंगे। आपको किसी 3 का जवाब देना है। ठीक है, तो हर सही जवाब का आपको 1 नंबर मिलेगा, और ऐसे आपको 3 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। देन सेक्शन सी है 18 से लेके 22 का, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का ही है। अगेन 3 मार्कर है आपका। 3 मार्कर में आप 60 से 80 वर्ड से ज्यादा नहीं लेंगे, मतलब कि 3 पॉइंट्स मैक्सिमम। फिर आपका सेक्शन सी के अंदर ही 23 से 27 क्वेश्चन है, जो कि 5 मार्कर क्वेश्चंस होंगे। 23 24 25 26 27, 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के 25 नंबर आपको करने हैं। 3 मार्क्स के आपके हैं 18 से 22 और 16 और 17। तो 18 19 20 21 22, देन 16 और 17, तो आपके टोटल 7 क्वेश्चन 3 मार्कर वाले हैं। देन क्वेश्चन नंबर 28 और 29 5 5 मार्क्स के मैपिंग में होंगे। 5 मार्क्स की हिंदुस्तान की मैपिंग, 5 मार्क्स की आपकी इंटरनेशनल मैपिंग होगी। ठीक है, आप स्टेंसिल्स पेंसिल वगैरह का यूज कर सकते हो। अब हम सीधा क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन की सबसे पहली टाइप है आपको फिल इन द ब्लैंक्स की तरह दी हुई है। पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक का, डैश एंड डैश डेंसिटी शुड बी फाइंड आउट इन ऑर्डर टू गेट अ बेटर इंसाइट इनटू ह्यूमन लैंड रेशियो। तो इसका आंसर क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी एंड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। आंसर बताना बेटा इसका क्या है? इसका आंसर है फिजियोलॉजिकल एंड एग्रीकल्चर। जो है फिजियोलॉजिकल आपका हो जाता है पहाड़ नदी, ठीक है, प्लेन एरिया, और एग्रीकल्चर आपका जो है आपका खेती बाड़ी का इलाका है। ये आपको जो है ह्यूमन लैंड रेशो का नॉलेज देता है। ये जो सैम्पल पेपर है ये इसी साल का है, अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से है। जो चैप्टर्स आपके कटवा दिए हैं, आउट ऑफ कोर्स है, वहां से कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, देन आपका सेकेंड क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन द अकॉर्डिंग इन अ करेक्ट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर डेवलपमेंट। कि पहले कौन सी अप्रोच आई थी, बाद में कौन सी अप्रोच आई थी, उसके हिसाब से आपको बताना है। स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन, रीजनल अप्रोच, एरियल डिफ्रेंसिएशन और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। तो इसका आंसर है आपका सबसे पहले रीजनल अप्रोच, फिर है एरियल डिफरेंसिएशन, फिर है आपका स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, और चौथा है आपका ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। तो ये जो पहला क्वेश्चन था आपका फिल इन द ब्लैंक्स वाला, वो आपका चैप्टर नंबर 5 से लिया गया था, एग्रीकल्चर वाले चैप्टर से। सेकेंड क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 1 से लिया गया है। ये चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपको ये सारी अप्रोचेस दे रखी हैं, और उनमें इनको आगे पीछे करके लगाना है। देन थर्ड क्वेश्चन, पन्ना पारा पल्ली नगला एंड धानी आर एग्जाम्पल ऑफ विच सेटलमेंट्स। तो ये आपका ह्यूमन सेटलमेंट्स इन इंडिया वाले चैप्टर का है। ठीक है, बुक 2 चैप्टर नंबर 2 या 3, आप देख लेना ह्यूमन सेटलमेंट्स कौन सा भी चैप्टर है। इसका आंसर है हैमलेटेड सेटलमेंट। हैमलेटेड सेटलमेंट वो सेटलमेंट होती हैं जो कि आपकी जात के हिसाब से बनी हुई होती हैं। ठीक है, इस जात के लोग इस गांव में रह रहे हैं, सारे धोबी इस गांव में रह रहे हैं, सारे जाट इस गांव में रह रहे हैं, उन्हें हैमलेटेड सेटलमेंट कहते हैं। तो इनमें इनके गांव को पन्ना पारा पल्ली नगला धानी कहते हैं,
और आराध्या, ये तुम्हारी टीचर का भी फेवरेट क्वेश्चन है, इसको करके जाना। देन क्वेश्चन नंबर 4, एग्जामिन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स आर जनरली कन्फ्रंटेड बाय द पीपल विलेजेस ऑफ साउथ एशिया। साउथ एशिया के गांव में क्या प्रॉब्लम होती है ये बताना है। ये आपका सबसे पहले वर्ल्ड वाली बुक का है, वर्ल्ड ह्यूमन सेटलमेंट्स का है। लैक ऑफ फैसिलिटीज ड्यू टू हाई डेंसिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अकरेंस ऑफ फ्लड्स एंड ड्रॉट्स, फियर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। साउथ एशिया के अंदर फ्लड एंड ड्रॉट्स का प्रॉब्लम है, कहीं सूखा है कहीं बाढ़ है। ठीक है, ये आपका जो है साउथ एशिया पॉपुलेशन वाला जो चैप्टर था उसके अंदर ये लाइन स्पेसिफिकली मेंशन है। देन क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एम एट इनेबलिंग द रूरल पॉपुलेशन टू कंजर्व वाटर फॉर ड्रिंकिंग, इरिगेशन, फिशरी एंड अफॉरेस्टेशन। इसका आंसर है हरियाली। ठीक है, हरियाली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का है, अर्रेवरी और ये जो नीरू मीरू है ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है। ठीक है, नर्मदा बचाओ पानी के लिए है ही नहीं, वो पेड़ों के लिए था। सॉरी, नर्मदा बचाओ जो आंदोलन था वो आपका ड्रिंकिंग वाटर के लिए नहीं, वो डैम के लिए था। ठीक है, तो इसका आंसर है हरियाली। ये चैप्टर नंबर 6 वाटर रिसोर्सेस इंडिया वाली बुक का है। क्वेश्चन नंबर 6, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू देयर इकोनॉमिक स्टेटस इज डिवाइडेड इन टू। इसमें इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो किस किस के अंदर बटी हुई है, मेन वर्कर, मार्जिनल वर्कर, नॉन वर्कर, मार्जिनल वर्कर, हाउस होल्ड, इंडस्ट्रियल वर्कर, नॉन वर्कर। इसका आंसर बताओ फटाफट दोनों के दोनों। नॉन वर्कर, एग्रीकल्चर लेबर, मार्जिनल वर्कर, कल्टिवेटर, मेन वर्कर, मार्जिनल वर्कर, बताओ। कमाई के हिसाब से हिंदुस्तान की आबादी 3 सेक्शन में बटी हुई है। इसका आंसर है मेन वर्कर, मार्जिनल वर्कर, नॉन वर्कर। मेन वर्कर कौन होता है? ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन। मेन वर्कर, मार्जिनल वर्कर और नॉन वर्कर में क्या फर्क? क्वेश्चन 6, क्वेश्चन नंबर 6, मेन वर्कर कौन होता है राधे? एक सौ अस्सी से ज्यादा, 6 महीने से ज्यादा जो काम करे वो मेन वर्कर, 6 महीने से कम जो काम करे मार्जिनल वर्कर। ए पार्ट है। ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? किसने दिया था? पाकिस्तान इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक, बुक 1 चैप्टर नंबर 4 ह्यूमन डेवलपमेंट, महबूब उल हक। हिंदुस्तानी इकोनॉमिस्ट था अमर्त्य सेन, पर ये जो वर्ड स्पेसिफिकली दिया था महबूब उल हक ने दिया था। अच्छा, 8th क्वेश्चन, डेवलपमेंट की बेस्ट डेफिनेशन क्या है? साइज का बढ़ना, साइज का कांस्टेंट रहना, क्वालिटी में पॉजिटिव चेंज आना या सिंपल चेंज आना? आपके हिसाब से डेवलपमेंट की बेस्ट ऑप्शन क्या है? ए बी सी डी। 50-50 में किसको ले रहे हो? अ पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटी इज डेवलपमेंट, सी पार्ट। तो 1 करोड़ रुपए तो हम दे रहे हैं तुली का को, और आधे जो है खाली आ जाएंगे घर, सारी लाइफ लाइन खत्म। ठीक है, इसमें से कौन सा प्लांटेशन क्रॉप नहीं है? प्लांटेशन मतलब अंग्रेजों का लगाया हुआ क्रॉप नहीं है, वीट नहीं है, बाकी सब अंग्रेजों के लगाए हुए हैं। कॉफी अंग्रेजों की है, शुगर केन अंग्रेजों का लाया हुआ है, मतलब दूसरे देशों से किसी और देश में लगा दिया। रबर भी, वीट नहीं है। कॉफी वगैरह मतलब इन्होंने क्या करा, इन्होंने सबसे पहले तो एक्सपोर्टिंग पर्पस से इन चीजों को उगाया, और कॉफी बेसिकली ब्राजील से बिलोंग करती थी, उसको हिंदुस्तान में लाके उगाना शुरू कर दिया। गन्ना किसी और देश से बिलोंग करता था, अफ्रीका वगैरह से, वो उसको यहाँ लाके उगाना शुरू कर दिया, फिलीपींस से। ठीक है, तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग चीजें ये बनाते थे एक्सपोर्टिंग पर्पस से। वीट आपका जो था वो स्टेपल डाइट थी, वो एक्सपोर्टिंग से ज्यादा कंजम्पशन के लिए यूज होता था, तो अंग्रेजों का कोई खास इंटरेस्ट नहीं था वीट के अंदर, बाकी सब में अंग्रेजों का इंटरेस्ट था बेचने के पर्पस से। ठीक है,
फिर आपको 10th क्वेश्चन बहुत अच्छा करा इन्होंने, मजा दे दिया। कौन सी जगह पे कौन सा आपको और मिलता है? ठीक है, अभी तक तुम लोगों ने मेरे साथ मैपिंग नहीं करी थी, आज थोड़ा सा मैपिंग समझाती हूँ। तो एक आपको चिकमगलूर दे रखा है, सिंगबम दे रखा है, दुर्ग दे रखा है और कोरापुट दे रखा है। सबसे पहले सिंगबम, सिंगबम को अगर मैं कट करूं, सिंह होता है शेर, बम होता है पिछवाड़ा। तो जिस शेर का पिछवाड़ा कॉपर का हो उसे सिंह बम कहते हैं। ठीक है, तो सिंह बम में क्या मिलेगा? कोई कुछ बोलेगा? कॉपर। इसको याद रखना, सिंह का बम, शेर का बम किस चीज का होगा? कॉपर का, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर आपका दुर्ग है, ठीक है, दुर्ग भी याद कराती हूँ, चिकमगलूर सबसे एंड में करवाऊंगी। दुर्ग जो है, दुर्गा माता, उनके हाथ में त्रिशूल होता है कि नहीं होता? वो लोहे का बना हुआ होता है, तो दुर्गा माता के हाथों का त्रिशूल लोहे का, तो क्या मिलेगा? आयरन ओर। कोरापुट आपकी एक जगह है उड़ीसा के अंदर, ठीक है, तो उड़ीसा के लोग, ठीक है, उड़ीसा के लोग इतने अमीर हैं कि वो अपना कूड़ा पुट करने के लिए बॉक्साइट के डस्टबिन लगाते हैं। तो कूड़ा पुट किसके अंदर? बॉक्साइट के अंदर। ठीक है, फिर आपका आता है चिकमगलूर, इसको कैसे याद करें? चिकमगलूर का मैंगनीज है, इसको कैसे याद करें? ठीक है, चिकमगलूर जो है मेरे बंदर का नाम है, उसको मैं प्यार से चिकमगलूर बोलती हूँ, मद्रासी, ये मेरा कर्नाटका का बंदर है। ठीक है, इसको मैगी खाने का बड़ा शौक है, और जब इसको मैगी नहीं मिलती तो ये मैंगनीज खाता है, याद रखोगे तो प्लीज इसको याद कर लेना। सारी मैपिंग हम आगे चल के भी ऐसे ही करेंगे, अभी याद हो गया, दोबारा पूछू? सिंगम, सिंगम, दुर्ग, कोरापुट, बॉक्साइट से एल्युमिनियम निकलता है, याद रखना, बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम का सोर्स है। और चिकमंगलूर क्या खाता है? मैंगनीज। ठीक है ना, याद रहेगा ना? चलो, यूनियन गवर्नमेंट ने गंगा रिवर को साफ करने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट निकाला है? यूनियन गंगा एक्शन प्लान, नमामि गंगे, गंगा नमामि एक्शन प्लान, गंगा क्लीनिंग मिशन। इसका नाम गंगा एक्शन प्लान ही था, इसका नया नाम नमामि गंगे कर दिया इन्होंने। दोनों आंसर होने चाहिए मेरे हिसाब से, तो इन्होंने नमामि गंगे दिया हुआ है। नमामि कर लो, नमामि गंगे चल रहा है आजकल, नमामि गंगे चल रहा है। इनमें से कौन सा केपीओ का एग्जाम्पल नहीं है? केपीओ का एग्जाम्पल नहीं है। केपीओ में बता देती हूँ, जब आप अपनी सर्विसेज इंटरनेशनल लेवल पे देते हो, आप हिंदुस्तान में बैठ के अमेरिका में अपनी नॉलेज की वो सर्विसेज दे रहे हो, ठीक है, मैं एज अ टीचर अपनी सर्विसेज, पढ़ाई की, ट्यूशन की सर्विसेज, अगर मैं अमेरिका में बैठे बच्चे को दे रही हूँ, उसे नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग बोलते हैं। ठीक है, तो एक डॉक्टर की सर्विसेज, एक लॉयर की सर्विसेज, ये सब आपका केपीओ का पार्ट बनता है। नॉलेज प्रोसेस को जब आप आउटसोर्स करते हो, अपनी नॉलेज किसी दूसरे के काम में लाते हो, उसका पैसा मिलता है आपको, उसे केपीओ बोलते हैं। तो इसके अंदर कौन सी चीज केपीओ का पार्ट नहीं बनेगा? सबसे पहले है ई लर्निंग, जो आप ऑनलाइन लर्निंग करते हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में होता है इंटरनेशनल लेवल पर राइट्स की बात होती है, कि कौन सी चीज कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है वो क्लियरली बताना, कि जैसे कि बालाजी के लड्डू, तिरुपति बाला के लड्डू, बालाजी के लड्डू जो है वो हिंदुस्तान से बिलोंग करते हैं, अगर इस पे कोई और अपना हक जमाएगा तो आप केस कर सकते हो। जैसे इंडिया का योगा है, योगा इंडिया से बिलोंग करता है, अगर कोई और कंट्री अपना बनाना चाहती है तो वो इंडिया उससे फाइट कर सकता है। टी जो है वो इंडिया से बिलोंग करती है, दार्जिलिंग टी, ठीक है, ये भी केपीओ का पार्ट है। ये सब चीजें केपीओ का पार्ट है, ये आजकल काफी चल रही हैं।
देन है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, डेटा को इकट्ठा करना, हिंदुस्तान में कितने लोग मर गए, अमेरिका में कितने लोग मर गए, काइंड ऑफ थिंग। और लीगल प्रोफेशन, इन चारों से कौन सा आपको केपीओ का पार्ट नहीं लग रहा है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, सी कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 13 सुनो। रिलेट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन फाउंड इन कटांगा जाम्बिया प्लेटू लोकेटेड इन अफ्रीका। ये आपका चैप्टर नंबर 1 या 2 का है, पॉपुलेशन डेंसिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ कॉपर इन अबंडेंस। यहाँ पे कॉपर बहुत मिलता है तो लोगों को माइनिंग का काम बहुत मिलता है, फैक्ट्रियों का काम मिलता है, फैक्ट्रियों का काम मिलता है तो इसलिए लोग ज्यादा से ज्यादा आके यहाँ पे बसने लग गए हैं कटांगा जाम्बिया में, कि नौकरी मिलेगी। समझ में आया पुलिका? ठीक है। क्वेश्चन 14। इफ अ कंट्री हैविंग लार्ज पॉपुलेशन ऑफ यंग पॉपुलेशन, अगर एक देश के अंदर यंग लोग ज्यादा हैं, ठीक है, जैसे इंडिया, तो यहाँ पे क्या मतलब है इसका? बर्थ रेट हाई है और पॉपुलेशन यूथफुल है, वर्किंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर फैसिलिटीज ज्यादा है, या हैवी प्रेशर ऑन गवर्नमेंट है? पॉपुलेशन इज यूथफुल, लार्ज वर्किंग पॉपुलेशन भी आप कह सकते हैं, पर हाई बर्थ रेट इज अ बेटर वर्ड, क्योंकि इसके अंदर आप बर्थ रेट भी ये काउंट करेंगे कि लोग ज्यादा ज्यादा पैदा हो रहे हैं तभी वो यंग स्टेज में है। ठीक है, लार्ज वर्किंग पॉपुलेशन में भी आप काउंट कर सकते हो, बट हर पॉपुलेशन मतलब कि सारी पॉपुलेशन में हर कोई वर्किंग हो जरूरी नहीं है। हमारे यहाँ काफी सारे लोग जवान होके भी इकट्ठे बैठे होते हैं अपने घर में। 15th क्वेश्चन, आपको कोई 14 क्वेश्चन करने हैं, 15वां क्वेश्चन पे हूँ मैं। एज एंड स्किल्स सिलेक्टिव माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरिया, जब लोग, जवान लोग और स्किल सिलेक्टिव लोग जिनमें स्किल्स होते हैं, वो गांव को छोड़ के चले जाते हैं, तो वहां के डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर के ऊपर क्या असर आता है? ठीक है, डाउनफॉल रिकॉर्डेड इन वर्किंग पॉपुलेशन, द होल बर्डन ऑफ एग्रीकल्चर वर्क हैज टू बी बोर्न बाय द ओल्ड पॉपुलेशन, ओल्ड पीपल एंड वुमेन आर लेफ्ट बिहाइंड इन द प्लेस ऑफ ओरिजिन, बैलेंस इन एज सेक्स कॉम्पोजिशन। एज एंड स्किल सिलेक्टिव माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरिया हैव नॉट एडवर्स इफेक्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट, किसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा? एक सेकेंड, मुझे एक क्वेश्चन ही क्लियर नहीं हुआ। एज एंड स्किल्स कलेक्टिव माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरिया हैव नॉट एडवर्स इफेक्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट, इनमें से कौन सी चीज पे, कौन सा चीज गलत इफेक्ट है? ठीक है, सबसे पहले कह रहे कि वर्किंग पॉपुलेशन कम हो जाएगी, उस एरिया की वर्किंग पॉपुलेशन कम होगी कि नहीं होगी? इनमें से कौन सा इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस एरिया में? सबसे पहले डाउन वर्किंग पॉपुलेशन कम हो जाएगी उस एरिया की। सेकंड, जो का एग्रीकल्चर का काम है, खेती बाड़ी का काम है, वो बुढ़ों पे आ जाएगा, करेक्ट है कि नहीं है? जब जवान लोग चले जाएंगे तो बुढ़ों पे काम आ जाएगा। तीसरा, गांव के अंदर बूढ़े और औरतें ज्यादा रह जाएंगी, ये भी ठीक है। एज और सेक्स कॉम्पोजिशन बैलेंस रहेगा, क्या ये ठीक है कि गलत है? बैलेंस नहीं रहेगा तो इसका ऑड वन आउट, तो ये आंसर है इसका, ऑड वन आउट। अब आपका जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन लिया गया, चैप्टर नंबर 12 से लिया गया है, इसको मैं फटाफट पढ़ रही हूँ, इसको सुनो। बेस्ड ऑन यूनिवर्सल लॉ, पॉल्यूटर पेज अ साइलेंट बट स्ट्रॉन्ग एफर्ट टू रिस्टोर द इकोलॉजिकल एंड सेफ गार्ड ऑन ह्यूमन हेल्थ विद पॉपुलेशन पार्टिसिपेशन हैज टेकन प्लेस इन दौराला नियर मेरठ। दीज एफर्ट आर नाउ बिंग फ्रूट्स एज अ स्पैन ऑफ 3 ईयर्स व्हेन मेरठ बेस्ड एनजीओ हैज डेवलप्ड अ मॉडल फॉर इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन। द रिसेंट मीटिंग ऑफ दरोला इंडस्ट्रियल ऑफिशियल एनजीओज, गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड अदर स्टेक होल्डर्स एट मेरठ हैड बॉट आउट द रिजल्ट विच यूजली कम आउट थ्रू कोर्ट डिसीशन। द पावरफुल लॉजिक्स, ऑथेंटिक स्टडीज एंड प्रेशर ऑफ एनजीओ हैज इन अ वे ब्रॉट अ न्यू लीज ऑफ लाइफ टू 12,000 रेजिडेंट ऑफ द विलेज। इट वॉज इन ईयर 2003 द पिटिएबल कंडीशन ऑफ धरालाइट्स ड्र्यू द अटेंशन ऑफ सिविल सोसाइटी। द ग्राउंड वाटर ऑफ दिस विलेज विद द पॉपुलेशन ऑफ 12,000 पर्सन वॉज कंटेमिनेटेड विद हैवी मेटल्स।
मेरठ का बेल्ट इंडस्ट्रियल बेल्ट है, यहाँ पे सारा पानी वगैरह में मेटल्स और भी गंद मिक्स होता है। द रीजन वॉज अनट्रीटेड वेस्ट वाटर ऑफ दुराला इंडस्ट्रीज वॉज लीचिंग इन टू द ग्राउंड टेबल एंड वॉज ऑल्सो बींग यूज फॉर इरीगेशन। तो कैंसर बेल्ट भी है मेरठ। द एक्टिविटीज ऑफ एनजीओ कंडक्टेड अ डोर टू डोर सर्वे। द हेल्थ स्टेटस ऑफ रेजिडेंट केम आउट विद अ रिपोर्ट। द ग्रुप रिपोर्टेड दैट 192 डेथ इन 5 ईयर्स हैव बीन रिकॉर्ड इन द विलेज ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ कंटामिनेटेड वाटर। द इंडस्ट्री केम अंडर प्रेशर ड्यू टू एक्टिविज्म। द ऑर्गेनाइजेशन द विलेज कम्युनिटी एंड द पीपल रिप्रेजेंटेटिव सैट टुगेदर टू फाइंड आउट रीजनेबल सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। द इंडस्ट्रियलिस्ट शोड अ कीन इंटरेस्ट टुवर्ड्स चेकिंग द डिटोरेटिंग इकोलॉजी। द ओवर हेड वाटर टैंक कैपेसिटी इन द विलेज वॉज एनहांस्ड एंड 900 मीटर एक्स्ट्रा पाइपलाइन वॉज लेड टू सर्व पोर्टेबल वाटर टू द कम्युनिटी। द सिल्टेड पॉन्ड ऑफ द विलेज हैज बीन क्लिंस्ड एंड रिचार्ज बाय डी सिल्टिंग इट। लार्ज क्वान्टिटी ऑफ सिल्ट वॉज रिमूव पेविंग वे टू प्योर वाटर सो इट पर्कोलेटेड डीप डाउन इन टू द एक्वीफर्स। रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड एट डिफरेंट प्लेसेज विच हेल्प द डायलेटिंग ऑफ कंटामिनेंट्स ऑफ द ग्राउंड वाटर आफ्टर द मानसून। 1,000 ट्रीज हैव ऑल्सो बीन प्लांटेड विच इम्प्रूव द एनवायरमेंट। ठीक है, सबसे पहले किस तरीके का पोल्यूशन दोराला के गांव वालों ने देखा? नॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन या लैंड पोल्यूशन? कौन से पोल्यूशन की बात हो रही है इसमें? कौन से पोल्यूशन की बात हो रही है आराध्या? मैं दोबारा समझाती हूँ। दोराला एक गांव था। दोराला गांव के अंदर क्या प्रॉब्लम थी? ये मेरठ में पड़ता है दोराला गांव। तो यहाँ पे क्या करा एनजीओ वालों ने ना, बहुत हो हल्ला मचा दिया। हुआ क्या था, इन्होंने एक सर्वे किया। एक सर्वे के अंदर इन्होंने जो है पता करा कि 192 डेथ पिछले 2003 से लेके जो आगे 5 साल थे कुछ थे वहां पे, कम से कम 192 डेथ जो हुई थी वो कंटेमिनेटेड वाटर पीने की वजह से हुई थी। और पानी कंटेमिनेटेड कैसे हुआ कि जो वहां पे फैक्ट्री पड़ती थी, मेरठ का एक फैक्ट्री बेल्ट का एरिया पड़ता है आपका, दिल्ली से मेरठ जो है, दिल्ली से यूपी का जो बेल्ट है वो सारा फैक्ट्री बेल्ट है। तो फैक्ट्री में से जो पानी था वो उसको ट्रीट नहीं किया जाता था, अनट्रीटेड वाटर को जो है नॉर्मल पानी के अंदर, गंगा नदी के अंदर छोड़ दिया जाता था और वो पानी लीचिंग करके नीचे के सरफेस में आ गया था और लोग वही पानी पी पी के, मेटल्स पी पी के लोग मर रहे थे, बीमार हो रहे थे। तो जब ये रिपोर्ट गई दोराला के जो भी एनजीओ से सब थे, सिविल सोसाइटी के लोग, उन्होंने वहां की फैक्ट्रीज पे बहुत प्रेशर बनाया, सुप्रीम कोर्ट गए, अलग अलग कोर्ट्स में गए, गुहार लगाई और फाइनली वो लोग केस जीते और सब फैक्ट्रीज के ऊपर प्रेशर बनाया कि या तो फैक्ट्रीज यहाँ से मूव करो या वाटर को ट्रीट करो। फिर इन्होंने काफी सारे पेड़ लगाए, इन्होंने स्पेशल पाइपलाइन डाली साफ करने के लिए, फिर इन्होंने जो वाटर टैंक्स उनको क्लीन करा, नदियों को क्लीन करा अपने इलाके की ताकि साफ पानी आ सके। तो इस पूरे के पूरे केस स्टडी के अंदर हम कौन से पोल्यूशन की बात कर रहे हैं मुझे ये बताओ, समझ में आया? वाटर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं। किस प्रोसेस के द्वारा ग्राउंड वाटर कंटेमिनेटेड हो गया? मैंने एक शब्द बोला था अभी, इनमें से बताना कौन सा शब्द था। लीचिंग, ठीक है। सी, व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टेकन एज सस्टेनेबल सॉल्यूशन टू द हेल्थ प्रॉब्लम फेस्ड बाय विलेजर्स? विलेजर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, नहीं, इन्होंने जो है रिलोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज से हुआ था, इन्होंने बड़े बड़े टैंक्स वाटर के लगाए जिसमें नदियों का पानी जोड़ा जा सके। मैंने ये लाइन ये मैं लाइन तो मैं बताना भूल गई थी राधे। वाटर टैंक्स लगाए थे इन्होंने बड़े बड़े नदियों, ये मानसून का पानी स्टोर करने के लिए। ठीक है, डी, ये जो कंटामिनेटेड वाटर है इसको डाइल्यूट करने का बेस्ट स्टेप क्या है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना, ठीक है, यूनिवर्सल ऑफ पोल्यूटर पेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट या ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ ग्राउंड वाटर? किस द्वारा पानी के अंदर जो भी मेटल्स आ चुके हैं, पानी पानी के अंदर जो केमिकल्स आ चुके हैं उनको डाइल्यूट किया जा सकता है? वाटर हार्वेस्टिंग, अगर एक ग्लास के अंदर आधा ग्लास केमिकल डला हुआ है, ठीक है, और बाकी आधे के अंदर मैं साफ पानी मिला दूं तो केमिकल की जो वो है एबिलिटी वो कम हो जाएगी कि नहीं होगी, डाइल्यूट होगी कि नहीं होगी? अगर एक ग्लास है, ठीक है, पैग की बात कर लेते हैं, पटियाला पैग की, अगर एक ग्लास के अंदर इतना पटियाला पैग है ऑन द रॉक्स, ठीक है, उसको आप सीधा पी जाते हो तो वो ज्यादा हिट करेगा या अगर मैं उसके अंदर पानी मिला के उसको डाइल्यूट कर दूं तो वो ज्यादा नुकसान करेगा? नीड ज्यादा हिट करेगा। सिमिलरली अगर आप पानी पी रहे हो, हाँ
सिंपल सी बात है। तो वैसे ही अगर केमिकल वाला पानी है वो आपके शरीर के अंदर डायरेक्ट जा रहा है, नलका खोल रहे हो और पानी पी रहे हो, तो वो आपकी बॉडी में ज्यादा नुकसान करेगा। वहीं पे उसके अंदर बारिश का पानी हो गया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गई, साफ पानी मिक्स हो गया, तो उसका जो डाइल्यूट हो जाएगा उसके अंदर का केमिकल, और आपको कम नुकसान करेगा। समझ आया? तो ये आपको एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 16। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। ये आपको ग्राफ दे रखा है चैप्टर नंबर 1 का, बुक 1 का, दिख रहा है बर्थ रेट डेथ रेट। करूं डिस्कस? स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 दे रखा है। स्टेज 1 के अंदर बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई है, पॉपुलेशन स्टेबल है। स्टेज 2 के अंदर बर्थ रेट हाई है, डेथ रेट लो हो गया है, इससे गैप काफी बढ़ गया है। स्टेज 3 के अंदर जो है बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही कम हो गए हैं। बर्थ स्टेज 1 के अंदर बांग्लादेश, रेन फॉरेस्ट ट्राइब वो सब है, ठीक है। देन पेरू वगैरह आपका स्टेज 2 की स्टार्टिंग में है, स्टेज 2 की एंडिंग में श्रीलंका, केनिया है, स्टेज 3 में कैनेडा, जापान, यूएसए है, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन, हाउ डज द नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन अकर एज पर द ग्राफ, ठीक है। नेचुरल इंक्रीज कैसे होता है? अगर मैं नेचुरल इंक्रीज की बात करूं तो बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, डेथ रेट प्लस बर्थ रेट, ग्रोथ रेट माइनस बर्थ रेट प्लस माइग्रेशन। नेचुरल चेंज इन पॉपुलेशन कैसे आता है? बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, कितने पैदा हुए ऐड कर लो, कितने मर गए उनको माइनस कर दो, ठीक है। नेचुरल के अंदर हम माइग्रेशन, तो बर्थ रेट माइनस डेथ रेट आपका नेचुरल चेंज इन पॉपुलेशन होता है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डज द ट्रांजिशन फ्रॉम हाई फ्लक्चुएटिंग स्टेज टू लो फ्लक्चुएटिंग स्टेज इंडिकेट? हाई फ्लक्चुएटिंग टू लो फ्लक्चुएटिंग, ठीक है। स्टेज 1 से स्टेज 3 क्या रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब ये पूछा गया है। तो स्टेज 1 के अंदर जो है लोग अर्बन से रूरल में गए हैं कि रूरल से अर्बन में गए हैं? स्टेज 1 से जब आप स्टेज रूरल टू अर्बन गए हैं, ठीक है। और हम लो बर्थ रेट एंड डेथ रेट टू हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट गए हैं या उल्टा है? थर्ड वाला पॉइंट आंसर क्यों नहीं है इसका, थर्ड पॉइंट, हाँ उल्टा गए हैं, इसमें उन्होंने उल्टा दे रखा है। देन सी क्वेश्चन, फ्रॉम द गिवन ग्राफ व्हाट कंडीशन कैन यू इन्फर अबाउट द डेवलपिंग कंट्री? जो डेवलपिंग कंट्री है यहाँ के बारे में, डेवलपिंग कंट्री होती है स्टेज 2, स्टेज 2 के बारे में आप क्या ज्ञान लगा सकते हैं कि यहाँ का बर्थ रेट भी हाई है और डेथ रेट भी हाई है, बर्थ रेट कम है डेथ रेट भी कम है, बर्थ रेट हाई है डेथ रेट कम है, सॉरी इन्होंने हाई बर्थ रेट एंड लो बर्थ रेट गलत लिखा हुआ है, एंड लो बर्थ रेट है और हाई डेथ रेट है। इन्होंने ना, हाँ इन्होंने डेथ रेट वर्ड ही गायब कर दिया, लो बर्थ ही लिख दिया, तो वो गलत है, डेथ आएगा। इन्होंने खुद भी सैंपल पेपर के अंदर ही गलती कर देते हैं, पागल पागल ही पागल। इन विच स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कौन सी स्टेज में हुआ है? स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 या स्टेज 3 के बाद कौन सी स्टेज में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है? आबादी तेजी से, स्टेज 2 के अंदर। स्टेज 2 के अंदर आप बीआर और उसका डीआर का गैप देखो, सबसे ज्यादा है एक्सपैंडिंग लिखा हुआ है। फिर अंधों के लिए क्वेश्चन आया है, अच्छा बड़े समझदारी से प्लीज अंधों वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट मत कर लेना। पिछले साल एक स्टूडेंट ने किसी स्कूल की सिर्फ अंधों वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे, ठीक है, सारे विजुअली इम्पेयर्ड वाले, और फिर वो उसमें आ गई, कंपार्टमेंट में आ गई। उसने क्या कहा कि जो इजी क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर लेती हूँ, सारे विजुअली इम्पेयर्ड के कर लिए थे और कंपार्टमेंट आ गई थी, आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है। राइटर जाता साथ में, राइटर, हाँ मैं भी जब मैं 12th में थी ना, मैं 11th में थी तो मैं एक 12th के बच्चे की राइटर बन के गई थी, मुझे उससे ज्यादा पेपर आता था, मैंने कहा तू चुप बैठ जाइयो मुझे पेपर करने दियो। तो उसका इंग्लिश का पेपर भी मैंने दिया।
हाँ, नैना दा क्या कसूर, क्या कसूर। चलो अगला क्वेश्चन है, व्हाई आर फर्टिलिटी एंड मोर्टैलिटी रेट आर हाई इन फर्स्ट स्टेज ऑफ दिस थ्योरी। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन का पूछा गया है कि फर्स्ट स्टेज के अंदर फर्टिलिटी रेट और मोर्टैलिटी रेट दोनों हाई क्यों थे, बर्थ रेट भी हाई था और डेथ रेट भी हाई था, क्यों। क्योंकि खाना बहुत था, ठीक है, ज्यादा लोग मर जाएंगे। फर्स्ट स्टेज के अंदर बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई क्यों था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो लोगों के पास खाने के लिए बहुत सामान होता था, प्लस उन्हें पता था कि आधे बच्चे तो हमारे मर ही जाएंगे, इसलिए वो एक साथ ही बहुत सारे बच्चे पैदा कर दिया करते थे। ठीक है, बाकी मुझे बाकी के 2 पॉइंट्स तो गलत लग रहे हैं इसमें, बस यही था। सेकेंड पॉइंट है इसका आंसर, कि लोग जो है, लोगों को पता था कि हमारे आधे बच्चे मर जाने, इसलिए वो ज्यादा बच्चे कर देते थे। ठीक है, बी, व्हाट लेड टू डिक्लाइन इन मोर्टैलिटी रेट इन सेकेंड स्टेज ऑफ द थ्योरी। सेकेंड स्टेज के अंदर ऐसा क्या हुआ कि बर्थ रेट जो है वो तो बड़ा रह गया पर डेथ रेट कम हो गया। सैनिटेशन और हेल्थ कंडीशन बेटर हो गई थी, खाने इनसफिशियंट हो गया था, इलिटरेसी बहुत बढ़ गई थी और अनफेवरेबल सेक्स रेशियो हो गया था। तो इसका आंसर है सैनिटेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटी बढ़ गई थी, तो लोगों की डेथ कम हो रही थी और पैदा ज्यादा हो रहे थे। सी, थर्ड स्टेज के अंदर फर्टिलिटी रेट कम क्यों दिखाई है। थर्ड स्टेज के अंदर ऐसा क्या हुआ कि बर्थ रेट कम हो गया। ठीक है, इसका आंसर है लोग ज्यादा शहरी हो गए, और जब लोग शहरी हो जाते हैं उनको टेक्निकल नॉलेज ज्यादा हो जाती है, तो वो ज्यादा बच्चे करना नहीं चाहते हैं, दे डोंट वांट बर्डन। तो वो लोग शहरीकरण की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से लोगों ने बच्चे कम करना शुरू कर दिया, और उनको बॉडी का भी समझ में आने लगे थे कि ज्यादा बच्चे करना उनके नुकसान के लिए ही उन्हीं को नुकसान देगा। डी क्वेश्चन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कौन सी स्टेज में हुआ, स्टेज 2 में। देन हम सेक्शन सी पे आते हैं, कि पानी की डिमांड इरिगेशन के लिए क्यों जरूरी है, क्यों बढ़ती जा रही है। ये आपका चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है, नहीं, ये चैप्टर नंबर 5 बुक 2 आपका एग्रीकल्चर वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, वाटर का। नहीं, ये चैप्टर 6 बुक 2 का है, वाटर चैप्टर का। तो इसका आंसर आप वहां से लिख सकते हैं कि वाटर इरिगेशन के लिए इसलिए चाहिए क्योंकि यहाँ पे कहीं पे तो बारिश बहुत ज्यादा होती है, कहीं पे कम होती है, अनइवन स्पेशियल वेरिएशन है। देन वाटर जो है आज भी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के लिए, इरिगेशन के लिए हमें आज भी ये रेन वाटर चाहिए होता है। एंड कई प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे ऐसे उगते हैं जैसे जूट, शुगर केन, राइस, जिनको बहुत पानी चाहिए होता है, और HYV सीड्स हमारे हिंदुस्तान में है जिनको अगेन बहुत पानी चाहिए होता है। इसी का और करके एक और क्वेश्चन है, ऑप्शन दे रखी है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के आपको फायदे लिखने हैं। देन 19th क्वेश्चन है कि रूरल और अर्बन सेटलमेंट्स में क्या फर्क होता है, ये मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी थी, ये आपको मिलेगा रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स, आपको दोनों बुक्स के अंदर मिलेगा, बुक 2 के अंदर ज्यादा बेटर है ये। देन अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ ह्यूमन ज्योग्राफी इन अर्ली 20th सेंचुरी हैज बिकम मोर इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटिव एंड इंटरडिसिप्लिनरी इन इट्स अप्रोच। इसके अंदर ना आप इसका वो एक बॉक्स भी बना सकते हो, जो हमने सब फील्ड्स और फील्ड्स वाला करा था, लास्ट टॉपिक लास्ट बॉक्स, आप सिंपल वो बॉक्स बना के आ जाना। हाँ, ये सारे वही है जो मैंने करवाए हैं, सारे CBSE के क्वेश्चंस हैं जो हमने पहले करवाए। ठीक है, क्वेश्चन 21, सम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैड हाई HDI, ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन। HDI हाई जो है जिन जिन कंट्री का, वो सब आपको लिखना है। हाई HDI वाली कंट्री जो है पहले कॉलोनाइजेशन कर चुकी हैं, वहां पे गवर्नमेंट स्टेबिलिटी रहती है, वहां पे सोशल सेक्टर के ऊपर बहुत खर्चा करा जाता है, लोगों के हेल्थ केयर के ऊपर बहुत खर्चा करा जाता है, तो ये सारा आपको लिखना है। ये पहले इंपीरियल पावर रह चुके, इन्होंने दूसरे देशों पर कब्जा करा है, ये सारी की सारी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं, और ये सारी आपकी जो है ह्यूमन डेवलपमेंट में भी हाई है, वेस्टर्न कंट्रीज इसमें ज्यादा है। एक्सप्लेन एनी थ्री अप्रोचेस टू स्टडी ह्यूमन डेवलपमेंट,
हमने चार अप्रोचेस करी थी, इसमें चार लिखी हैं, आपको कोई भी तीन करनी है, जिसके अंदर आपकी इनकम अप्रोच, वेलफेयर अप्रोच, बेसिक नीड और कैपेबिलिटी अप्रोच है। देन क्वेश्चन नंबर 22, ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर इन मॉडर्न इकोनॉमी प्लेज अ वाइटल रोल, डेराइव इट्स इम्प्लीकेशन। तो सर्विसेज क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आप यहाँ से लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना, ये मैं लिखवा दूंगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। बुक के अंदर भी इसके 5 पॉइंटर हैं, पर वो बहुत ही बड़े बड़े हैं, ये अच्छा आंसर दे रखा है। सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडर्न इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, जिसके अंदर सर्विसेज के अंदर आपकी क्या क्या चीजें आती है, रिटेलिंग, एजुकेशन, हेल्थ, वेलफेयर, ये सब चीजें आती हैं। बिजनेस सर्विसेज के अंदर आपकी एडवर्टाइजिंग, रिक्रूटमेंट, पर्सनल ट्रेनिंग आती है। सर्विस सेक्टर के अंदर जो है गुड्स के प्रोडक्शन के ऊपर इतना ध्यान नहीं होता है, सर्विस बेस्ड जो है काफी ज्यादा, आज एडवांस कंट्रीज के अंदर सर्विस के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है। जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो प्राइमरी सेक्टर से उठ के सर्विस सेक्टर की तरफ ज्यादा जा रही हैं, टर्शरी सेक्टर की तरफ ज्यादा जा रही हैं, सर्विस सेक्टर के ऊपर काफी फोकस किया जा रहा है, लोग मैन्युफैक्चरिंग से जाके अब एक्सपोर्टिंग और सर्विस प्रोवाइडिंग कंट्रीज में चेंज होते जा रहे हैं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 23 है, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन, ये आप लिखेंगे, रेमिटेंसेस वाला जो है, ये 5 मार्कर लिख दिया है, 5 पॉइंट्स लिखने हैं। तो आपको रेमिटेंसेस मिलती हैं, उस रेमिटेंसेस से आप लोन चुकाते हो, घर की कंस्ट्रक्शन करते हो, कौन कौन सी स्टेट से सबसे ज़्यादा लोग जो है इंडिया छोड़ के बाहर जाते हैं वो आपको लिखना है, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी आपको लिखने हैं कि आपका जो है ब्रेन ड्रेन हो जाता है, आपके देश का अपना सोर्स जो है, अपनी स्किल्स जो है वो नहीं रह जाते, देश के बाहर चले जाते हैं, जिससे जो है आपका किसी किसी जगह पे जहां पे ज्यादा लोग घुसते हैं, इन माइग्रेट होते हैं, वहां पे क्या है कि वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ जाती है, कहीं पे फिर कम हो जाती है, ओवरक्राउडिंग हो जाती है, ये सब आप लिखोगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ आईटीडीपी, ये मैंने आपको लिखवाया था, सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ आईटीडीपी भारमौर डिस्ट्रिक्ट, ये आप लिख लेना, सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स। इसके अंदर मैंने बताया था कि सेक्स रेशियो इम्प्रूव हो गया है, लिटरेसी रेट इम्प्रूव हो गया है, वहाँ पे अब ग्रोथ हो गई है, खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा मिलने लगी है, चाइल्ड मैरिज डिले हो गई है, ये हम सारे कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 9, प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर आपको इंदिरा गांधी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कनाल कमांड एरिया था उसकी भी आपको लिखना है कि उसके फायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या है। नहीं, इसके मेजर्स पूछे गए हैं, मैंने इसके टोटल 7-8 मेजर्स थे, मैंने कहा था कोई 5 याद कर लेना, वही 5 इसमें आए हुए हैं, चैप्टर 9 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर कहाँ कहाँ होता है ये आपको 5 मार्कर में लिखना है, ये इतना बड़ा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, छोटा आंसर लिख देना। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर वो एग्रीकल्चर होता है जो सिर्फ अपना पेट भरने के लिए होता है, इसको स्लैश भी, हाँ, मिल्पा, झूम, ये सारे इसके नाम हैं। ठीक है, इसमें आप कंट्रीज के नाम लिखना, 5 पॉइंट्स बनाने हैं इसके, सिर्फ 5 पॉइंट्स। ठीक है, हाईलाइट द फीचर्स ऑफ कमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग, ये भी मैं इसके 5 पॉइंट्स आपको करवा चुकी हूँ। एनालाइज द प्रॉब्लम ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज में अर्बन सेटलमेंट्स की क्या क्या प्रॉब्लम है, ओवरक्राउडिंग है, ठीक है, डिलैपिडेटेड कंडीशन है, स्क्वाटर सेटलमेंट्स है, लैंड डिग्रेडेशन है, ठीक है, आपका वेस्टेज हैंडलिंग का प्रॉब्लम है, सैनिटेशन का प्रॉब्लम है, ये सब आप लिख सकते हैं, कंजेशन का प्रॉब्लम है, अनहेल्दी कंडीशन का प्रॉब्लम है, ये सब आप लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 27, मिनरल्स को केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आपको बांटना है, तो ये इसका एक फ्लो चार्ट था, केमिकल, नॉन केमिकल, मेटल एंड नॉन मेटल वाले, वो आपको बनाना है, चैप्टर की स्टार्टिंग में है। फिर इन्होंने पूछा कि मिनरल बेल्ट्स ऑफ इंडिया बताओ, तो नॉर्थ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, और एक आपका जो है हिमालयन बेल्ट में भी थोड़ा सा मिलता है मिनरल, ये हम कर चुके थे। अब हम आते हैं मैपिंग पे, मैपिंग का देखना, 28th क्वेश्चन मैप का, इंडिया वाला मैप है, इसके अंदर आपको 7 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपको कोई 5 करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको चॉइस आ गई, अब इसके अंदर भी विजुअली इम्पेयर्ड के क्वेश्चंस हैं वो मत करना, बट आपको एक फायदा मिल सकता है मैपिंग में, अगर आप अपने क्वेश्चन में अटक रहे हो वही सेम क्वेश्चन ब्लाइंड वाला पढ़ लो, हो सकता है आपको किसी और तरीके से घुमा के उसी क्वेश्चन का आंसर मिल जाए उसमें, जैसे कि
नहीं, पहला वाला तो मैच नहीं कर रहा। अ स्टेट विद लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। लो डेंसिटी अरुणाचल की है, लोएस्ट अरुणाचल की है, पॉपुलेशन सबसे कम सिक्किम की, पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल की कम है। दूसरा, स्टेट विद हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन। गोवा, सबसे ज्यादा शहरीकरण गोवा में है। बेंगलुरु इज ए मेगा सिटी। मयूरभंज उड़ीसा में है, याद रखना मयूर का भांजा उड़ीसा में बैठा है। जामनगर गुजराती, माफ करना, कटनी, कटनी वाली जो होता है ना, ये एमपी वाले लोग काटते हैं दूसरे का, तो कटनी याद रखना, बॉक्साइट माइंस एमपी। नए वेली लिगनाइट फील्ड, कटनी बॉक्साइट माइंस, मिल गया। और फिर आपका अगला है नए वेली लिगनाइट फील्ड। नए वेली को मद्रासी टोन में कैसे बोलोगे? नैया वैली जी, नैया वैली। तो लिगनाइट जो है इज अ फॉर्म ऑफ कोल, ठीक है? तो नया वैली जो है आपका तमिलनाडु में मिलेगा। नया नया वेला वेला कोल, लिगनाइट फील्ड, लिगनाइट इज अ कोल, तो नया नया वेला वेला तमिलनाडु। अब देखो इसका किस तरह से इन्होंने घुमा के आंसर दिया हुआ है। अब सबसे पहले इन्होंने पूछा कि कटनी बॉक्साइट माइन कहाँ पर है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कटनी कहाँ पर है, तो आप इसके विजुअली इम्पेयर्ड वाले क्वेश्चन के अंदर बॉक्साइट ढूंढो। तो फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है अ बॉक्साइट माइन इन मध्य प्रदेश, ठीक है? तो बॉक्साइट माइन कहाँ की हो गई? मध्य प्रदेश की। तो कटनी कहाँ का हुआ? मध्य प्रदेश। तो अगर आप अपने क्वेश्चन में अटक रहे हो तो ये ब्लाइंड वाला क्वेश्चन जरूर देखना, ठीक है? अब हाई डेंसिटी पूछिए आपसे, ऊपर लो डेंसिटी है, मैच नहीं कर रहा। आयरन ओर माइन इन उड़ीसा। अब आपको ऊपर जो है मयूरभंज आयरन ओर माइन दे रखा था, और यहाँ पे इन्होंने पूछ रखा है उड़ीसा की आयरन ओर माइन देनी है, तो आपको क्लियर हो जाएगा जो ऊपर मयूरभंज है और जो उड़ीसा है वो एक जगह ही है, तो आप उड़ीसा मार्क करोगे मयूरभंज। हाँ पास कर दोगे चल जाएगा, थोड़ा सा देखना पर आसपास करोगे ना, और मयूरभंज को याद रखना कि बॉर्डर पे है थोड़ा सा। हाँ मैपिंग की प्रॉपर क्लास लूंगी मैं, ठीक है? अभी हमने ऊपर लिगनाइट पढ़ा, अब नए वेली वर्ड हमें नहीं पता कि लिगनाइट का कहाँ हो सकता है। इन्होंने जो है फोर्थ क्वेश्चन के अंदर ये लिख दिया, लिगनाइट कोल रिजर्व इन तमिलनाडु। समझ में आया? तो आपको जो अंधो वाला क्वेश्चन है, ब्लाइंड वाला क्वेश्चन है विजुअली इम्पेयर्ड का, आपको हेल्प कर सकता है स्टेट ढूंढने में। समझ आया तो लिखा ये वाली बात। तो अगर आप किसी भी क्वेश्चन में अटक रहे हो, डाउट आ रहा है, ये ब्लाइंड वाला क्वेश्चन प्लीज देख लेना, ठीक है? ठीक है, नेक्स्ट आपका आ गया फिर से नोमैडिक हर्डिंग का कौन सा एरिया है, मेगा सिटी ऑफ एशिया कौन सा है। सबसे पहले तो आपको कंट्रीज पता होनी चाहिए, आपको ये ए बी सी डी ई लिखा हुआ आएगा वर्ल्ड मैप में, ठीक है? तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है इनका, अ रीजन ऑफ अफ्रीका प्रेस प्रैक्टिसिंग नोमैडिक हर्डिंग। अफ्रीका में सबसे पहले तो ये देखो कौन सी जगह मार्क्ड है, अफ्रीका के अंदर ए मार्क है, नोमैडिक हर्डिंग होता है गाय भैंस सहारा। ए कहाँ लिखा हुआ है? सहारा, सहारा, सहारा डेजर्ट के अंदर नोमैडिक हर्डिंग होती है। मिडल ईस्ट क्यों मार्क करा है? मिडल ईस्ट ऊपर हो, सहारा है। बी है मेगा सिटी ऑफ एशिया। एशिया में आ जाओ, इन्होंने देखो कहाँ मैप बनाया हुआ है, कहाँ डॉट लगाया हुआ है। एशिया में इन्होंने जापान पे लगाया हुआ है, जापान इज अ कंट्री। इन्होंने सिटी पूछी है, जापान की सबसे बड़ी सिटी कौन सी है? कैपिटल टोक्यो।
ठीक है, इसलिए आपको कंट्रीज पता होनी चाहिए। देन सी रीजन ऑफ यूरोप प्रैक्टिसिंग कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग स्टेपी, प्रेरी, वेल्ड, ये सब मैंने सिखवाया था आपको, पैम्पर्स ऑफ अर्जेंटीना याद हो तो आपको सबसे पहले तो यूरोप के अंदर देखना है। यूरोप के अंदर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग को स्टेपेज बोलते हैं, आप चुपचाप स्टेपेज लिख देना बस। चैप्टर 5 में मैंने करवाया था। देन है मेगा सिटी ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका पे आओ। साउथ अमेरिका में ये साओ पॉलो है, ये मैं मैपिंग में आप लोगों को सिखाऊंगी। नेक्स्ट है रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका प्रैक्टिसिंग सब्सिस्टेंस गैदरिंग। नॉर्थ अमेरिका में कहाँ पे सामान इकट्ठा करा जाता है? कनाडा के अंदर। नॉर्थ अमेरिका में दो ही कंट्री है, यूएस और कनाडा, बस। या तो आंसर यूएस होगा या कनाडा होगा। ऊपर वाला कनाडा है, थोड़ा नीचे वाला यूएस है। ये हम मैपिंग के अंदर और अच्छे से करेंगे। इसके साथ आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है, क्वेश्चन पेपर। अब मुझे ये बताओ, आपके एनालिसिस से 1 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर और मैपिंग, इन सब में सबसे टफेस्ट सेक्शन आपको कौन सा लगता है? थ्री मार्कर लगा। और 1 मार्कर का कैसा लगा? जहां पे आपके सबसे ज्यादा नंबर कटेंगे तो वही में। ठीक है, ठीक है। नहीं, इस बार ज्योग्राफी का पेपर नहीं हुआ था। तो अब ये मेरी बात सुनो, 1 मार्कर और बच्चों को सबसे टफ लग रहे होंगे। हम 1 मार्कर में सॉलिड चल रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये, ठीक है। मैपिंग में आप लोगों को करा करूंगे 10 मार्क्स का, वो सॉलिड कर दूंगी। तो 14 नंबर तो हमारे वहां पक्के और 10 नंबर में यहाँ पक्के कराऊंगी। 24 नंबर तो हमारे 70 में से वैसे पक्के हो गए, ठीक है। 3 मार्कर और 5 मार्कर सारे रेपिटेटिव हैं, उसको पक्का करने के लिए आपको टेस्ट देने हैं, ठीक है। उसको जब तक तुम लोग लिखोगे नहीं, तब तक तुम प्रैक्टिस नहीं कर सकते। पर बच्चे पता है, अभी देखो तुमने सीबीएसई के क्वेश्चंस करे मेरे साथ, सैंपल पेपर किया। ये देखो मेरे जो क्वेश्चंस थे, मैंने सीबीएसई के आंसर दिए 10 साल का, जो 10 ईयर पेपर दिया तुम्हें, वो क्वेश्चन कितने मैच करते हुए लगे हैं यहाँ पे। एनसीईआरटी है, मैंने भी जो आपको क्वेश्चन दिए वो एनसीईआरटी से दिए और सारे दिए हैं, वो सब कवर करके। खाली फुल मार्क्स, खाली केपीएच, खाली कोई और बुक करना, रेफरेंस बुक करना इज नॉट एनफ। ये एनसीईआरटी में से घुस घुस के क्वेश्चन निकालेंगे। एनसीईआरटी ही चाट के जाएंगे। तुलिका, तुम्हारे स्कूल तो ये तुम देखो ना, तुम्हारे स्कूल का रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है। तुम्हारे स्कूल का रिजल्ट इज ऑन एवरेज। एक आधा बच्चा जो है बहुत अच्छा स्कोर कर लेता है जिसके पास ट्यूशन है। आपके स्कूल का रिजल्ट अच्छा नहीं है तुलिका, क्योंकि टीचर बेवकूफ बना रही है। तुम्हारे स्कूल का रिजल्ट अच्छा नहीं है, बेला चाओ।